हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते प्यार भरा। कैसे हैं आप लोग? मैं रूबी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत 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 स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो इस टाइम चल रहा है शादियों का सीजन, तो सब लोग शादी में कहीं ना कहीं गए होंगे, खूब सारा इंजॉय किया होगा, खूब अच्छे अच्छे पकवान खाए होंगे और सेलिब्रेट किए होंगे। तो यहाँ पर हो रहा है हमारा बर्तन की धुलाई, यानी कि बर्तन की सफाई चल रही है। और शाम के टाइम हमने ब्लॉग का स्टार्ट किया है, सुबह से बिल्कुल याद ही नहीं था कि ब्लॉग का स्टार्ट करना है, क्योंकि आज हमें जाना है शादी में, तो आप लोगों को ब्लॉग भी दिखाना है। और फिर अचानक से याद आया तो मैंने माही को बोला बेटा रिकॉर्ड करो, क्योंकि चलना है शादी में तो वहाँ का सारा ब्लॉग आप लोगों को दिखाना है। तो देखिए दोस्तों, बर्तन धो चुके हैं हम और बर्तन धो करके बस थोड़ा सा बैठ गए हैं और शाम के 5 बजे का टाइम हो रहा है। और कुछ हमें उपले उठा करके ले आने हैं छत पे चढ़ाने, तो कुछ हमने चढ़ा दिए हैं, कुछ थोड़ा सा आराम करने लगे थे, तो हमने कहा बर्तन धो लेते हैं बैठे बैठे और हमारा आराम भी हो जाएगा, क्योंकि छत पे बार बार चढ़ना उतरना होता है तो पैरों में ज़्यादा दर्द होने लगती है और थरथराहट होने लगती है। इसलिए हमने बर्तन भी धो लिए बैठे बैठे, हमारा आराम भी हो गया थोड़ा सा। आप लोगों से सोचा हमने बतिया लें, फिर उसके बाद चलते हैं फिर उपले ले आने के लिए। और देखिए, कल रात को हम मेहंदी लगाए थे और वो वाली क्लिप थोड़ी सी हमने ऐड की है आगे, माही जब बिल्ली को पकड़ रही थी ना, बिल्ली के बच्चों को, तभी उसी टाइम। और ये देखिए मेहंदी दोनों साइड हमने लगा लिया, यही मोहल्ले में गए थे और मोहल्ले की सासू अम्मा हैं उनकी बेटी से लगवाने के लिए। तो चलिए पहले उपले ले आते हैं, फिर उसके बाद तैयारी करेंगे, क्योंकि आज हम लोगों को जाना है शादी में। और पीछे देखिए ब्लाउज़ दिख रहा है, जो हमने ब्लाउज सिल के रखा है यही पहन के हम जाने वाले हैं, ब्लाउज़ और पेटी कोट। तो चलिए बात ज़्यादा नहीं करते हैं, तो अब तो आ गया है दोस्तों बरसात का सीज़न, तो पूरे 4 महीने धुआंधार बारिश होने वाली है। तो इसलिए बारिश का जितना भी इंतज़ाम है, जितने भी चीज़ें सबको स्टोर करके और अच्छी जगह पे रखना है ताकि भीगे ना। और यहाँ पे हमने जितनी कंडियाँ लगा के रखी थी ना, उनको 2-3 दिन हम उठा के ले गए हैं, क्योंकि यहाँ से लेके जाते हैं छत पर रखने तो एक दिन में इतने सारे कंडे अकेले हम ले नहीं जा सकते, क्योंकि बड़ी थकान हो जाती है और बच्चे अभी बड़े छोटे छोटे हैं, तो उनसे मैं ज़्यादा मेहनत करवा नहीं सकती हूँ। बस इतना करवा सकती हूँ कि बेटा उठा दो मेरे सर पे, मैं लेके चली जाऊँ। तो माही है, बस माही की मदद से मैं मेरे सर पे उठवा ले रही हूँ और ले जाके छत पर डाल रही हूँ। तो आप तो ख़त्म हो गया है, करीब करीब 7 बजे का टाइम हो रहा है, उजाला तो अभी है, वैसे तो 6:30 बजे तक उजाला रहता है, तो ऐसा ही कुछ टाइम हो रहा होगा। तो रात को जाना है शादी में, तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं पैरों में महावर, अभी को लगा रहे हैं तो उसके पैर में गुदगुदी हो रही है, जैसे हम छुआ रहे हैं उसके पैर में महावर तो उसकी गुदगुदी हो रही है, तो वो हंस रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर अभी 8-9 बजे हैं, 7:30 बजे का टाइम हो रहा होगा या फिर करीब करीब 8 बजे का, हमें निकलते तो 8 बज ही जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम तैयार हो रहे हैं और शादी हो रही है, गेस्ट हाउस है तो घर नहीं जाना है, इसलिए पहले से नहीं जा रहे हैं। अगर शादी घर से होती तो पहले से जाते, तो वहाँ बैठते, सब लोगों से मुलाकात होती। अब गेस्ट हाउस में हैं तो सब लोग वहाँ, खुद घर के लोग लेट आते हैं, तो हम लोग पहले वहाँ जाके क्या करेंगे, इसीलिए लेट हम लोग भी जा रहे हैं। तो माही और नैन्सी तैयार हो गई हैं, मैं भी तैयार हो रही हूँ, मानसी नहीं है, वो नानी के यहाँ जा चुकी है, जब मैं गई थी उसी टाइम लेके गई थी मानसी को, तो वो नानी के यहाँ रुक गई थी। और अभी तो गर्मियों की छुट्टी भी चलने लग गई है, और इधर देखिए हमारी सोना भी हेयर बैंड वगैरह लगा के रेडी हो गई है, और इसने बिल्ली वाली हेयर बैंड लिए, इसके पापा खिड़की से देख रहे हैं बार बार कि तुम लोग रेडी हुई हो कि नहीं, क्योंकि बोल रहे हैं देर हो गई है, ज़्यादा रात नहीं करना है, टाइम से घर भी आना है, तो बस इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं। और ये साड़ी ना दोस्तों हम कल ही लेके आए हैं और इन्हीं के साथ गए थे लेने के लिए, माही के पापा के साथ, और कल लेके आए, कल ही हम साड़ी में फॉल लगाए और कल ही ब्लाउज़ को हमने सिला। आज तो सिर्फ दोपहर में काज बटन हमने किया है और ब्लाउज़ में फॉल हमने नहीं लगाया। सामने जो चाची है ना घर के सामने, जो रहती हैं बम्बई में, तो उनकी लड़की है ना, उन्हीं से मैंने साड़ी में फॉल लगवाया है, सिलाई कर दी थी, और जहाँ पर सुई से सिलाई करनी होती है वहाँ पर उन्होंने लगा दिया है, तो ऐसे में जल्दी हो गया है। पहले से साड़ी लेके नहीं आए थे, क्योंकि मम्मी के यहाँ चली गई थी और मुझे कोई मतलब ठीक नहीं लग रही थी साड़ी आए। तो दोस्तों देखिए 8:30 बज चुके हैं और अभी हम लोग घर से निकले रहे हैं, सारे लोग रेडी हो चुके हैं बिल्कुल, ये अभी सोना हो गई और रेडी, तो बस अब हम लोग निकलने वाले हैं और फिर वही चल के आप लोगों से मिलते हैं। हमने कहा थोड़ा सा आप लोगों से बात कर ले, नहीं वहाँ पर चलेंगे ना तो फिर बात करने को नहीं मिलेगा, बस यही लोग दिखाएंगे जो दिखाना होगा। चलो बेटा चलो
चलो ताला वगैरह बंद कर लेते फिर चलते हैं। तो शादी में देखिए हम लोग आ चुके हैं दोस्तों, सब लोग जहाँ पे पहुँचना था पहुँच चुके हैं, रास्ते का भी नहीं दिखा पाए हैं। और पीछे हमने बाल को ना बन बना लिया, यानी कि जूड़ा बना के क्लेजर लगा लिया है, क्योंकि गर्मी का टाइम है और वैसे भी सर पे पल्लू रखना है, तो बस ऐसे ही कर लिया है और पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई दीदी से, जिनकी लड़की की शादी, यानी कि हमारी ननंद है, हमारी नंद, बड़ी नंद। तो इन्हीं की, हमारी भांजी, बहनें, हम लोग तो बहनें ही बोलते हैं, भांजी, उन्हीं की शादी है। तो यहाँ पे हमारी मौसी सास, मौसी सास की यानी कि हमारी जेठानियाँ, देवरानियाँ, सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो बस थोड़ी सी क्लिप हमने यहाँ पे ली और करीब 2.5 घंटे हो गए होंगे हमें यहाँ पे आए हुए। और ये है, ये भी हमारी नंद है, छोटी नंद है हमसे। तो थोड़ी सी यहाँ पे आप लोगों को क्लिप हमने दिखा दी। उसके बाद यहाँ पे आ गए हैं नाश्ता करने के लिए। तो पहले नाश्ता करेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद बाकी के जो रिश्तेदार हैं, जो अभी जिनसे मुलाकात नहीं हुई है, उनसे मुलाकात करेंगे, फिर घर जाएंगे। और शादी ब्याह में तो यही होता है दोस्तों, खाने से ज़्यादा तो मिलने की बड़ी उत्साह होती है कि सबसे वहाँ पे मुलाकात हो जाएगी और सबसे मिल के बड़ा अच्छा लगता है, बातें करेंगे, सबसे भेंट हो जाएगी, तो यही चीज़ अच्छी लगती है। और 10-10 मिनट पे भीड़ इतनी भारी मात्रा में हुए जा रही थी कि बिल्कुल सांस नहीं, जगह नहीं मिल रही थी खाना लेने के लिए। हमें तो कुछ मतलब भीड़ में कुछ मिल ही नहीं रहा था। पहले नाश्ता किया, बस बच्चों ने आइसक्रीम ले आके दे दी, आइसक्रीम खाया और एक पत्ता हमने खाया टिकिया। फिर उसके बाद हम लोग रास्ते में, रात में ही वापस आ गए थे। और यहाँ पे ये शाम का टाइम है, सुबह के बाद शाम का टाइम है, रात में तो फिर ब्लॉग कंटिन्यू कर ही नहीं पाए। ये जो चाची है ना सामने, इनको भी इनकी आज शादी है, देखिए हम बोल रहे हैं मतलब कि इनको आज शादी में जाना है, तो पूरी फैमिली के साथ। तो बस चाची जी अपने हाथों से ना चूड़ियाँ नहीं पहन पाती हैं और ना ही उतार पाती हैं, तो जो डेली के लिए ये पहनी थी ना, बोल रही इनको उतार के और जो पहन के जाना है इसको पहना दो, शाम का टाइम हो रहा है तो इन्हें भी जाना है। तो बस वही हम कर रहे थे, इनकी चूड़ी वगैरह सेट कर रहे थे और सेट करके इनको पहना दिए हैं। बाबू का पैर छोटा सा है क्या? क्यूट लग रहा है, पप्पी ले लो पैर में, बाबू का। रुको, भैया अभी बाबू का क्या नाम है? अभी बाबू का क्या नाम है? बाबू देखो हाय कर रहे हैं, बाबू आदित्य, बाबू सबसे वीडियो में बोल रहा है। चिंकी सबसे बताओ बाबू का क्या नाम है, आप लोग सुन लीजिए अभी बता रहे हैं, इधर बोल के बताओ क्या नाम है? चिंकी ना, ये देखिए हमारे बाबू का चिंकी नाम है ना, गुलिया का चिंकी नाम है। वाह दीदी लोग, मौसी लोग सब मांग रहे हैं चिंकी को, ये देखिए खिलाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। लो पकड़ो 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 पकड़ो, उठा लो उठा लो, ओए रंगा तो ले रहा हूं, देखो हंसते हैं ये हंसते हैं। मम्मी बंद कर दे, इसके तो बाल भी नहीं है, दे दे सोना के लग गया। और हमारे घर में एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया आ चुकी है, जो बड़ी क्यूट सी है। तो बच्चे ना बहुत खुश है, छोटे बच्चों को छोटे बच्चे बड़े पसंद आते हैं। तो सब अपने में झगड़ा कर रही है, देखिए मानसी माही करी हमको खिलाना है और सोना करी हमको लेना है, अभी अपनी तरफ रो रहा है, उसे भी छोटा बेबी चाहिए। तो वो देखिए नैन्सी से कैसे छीन रहा है, उसको भी खिलाना है बेबी को। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो बताइएगा। और अभी दोपहर का टाइम हो गया है, थोड़ा सा हम लेटे हुए थे। और कान का देखिए ये रिंग्स भी हमने निकाल दिया है, क्योंकि पता नहीं कि खुजली हो रही थी, शायद गर्मी की वजह से था, तो इसलिए हमने उतार के रख दिया है। और आज के ब्लॉग का भी एंड करते हैं दोस्तों। जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बस इसी के साथ इजाज़त दीजिए, आज का सफ़र बस यही तक का। बाय बाय दोस्तों।